एवरीवन नमस्कार, स्टडी विद एडीबी क्लास में आपका स्वागत है। मैं कीर्ति पांडे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम स्टडी करेंगे दृष्टि द विज़न की ओर से 150 क्वेश्चंस, जिसमें बिहार पीसीएस 67 प्री की तैयारी के साथ है। इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, ठीक है, और इसमें डिस्कशन नहीं है। डिस्कशन के लिए आप हमारे पुराने वीडियोज़ में जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी भगत सिंह। ये उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज ए, जवाहरलाल नेहरू का है ये। सेकंड, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया। ए 6 जून 1946 को, बी 6 जून 1947 को, सी 25 जून 1946 को, डी 25 जून 1947 को। ये उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज ए, 6 जून 1946 को। थर्ड, अभिनव भारत का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? ए वीर वरेंद्र कुमार घोष ने, बी विनायक दामोदर सावरकर ने, सी बाल गंगाधर तिलक ने, डी चक्रधर ने। यू ग्रुप में से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज विनायक दामोदर सावरकर ने। थर्ड का बी है। डी, आधुनिक भारत के इतिहास में मेयों का 1870 का संकल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ए पुलिस सुधार, बी वित्तीय विकेंद्रीकरण, सी शैक्षिक सुधार, डी वर्नाक्यूलर प्रेसेक्ट। ई फिफ्थ में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज बी, वित्तीय विकेंद्रीकरण। फिफ्थ, मुगल शासन व्यवस्था में जिले के प्रमुख राजस्व अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता था? ए आमिल या अमल गुजार, बी कोतवाल, सी शिकदार, डी बख्शी। ई फिफ्थ में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज ए, आमिल या अमल गुजार। डी, तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? ए बहादुर शाह, बी जहादार शाह, सी फर्रुखसियर, डी मोहम्मद शाह। ई फिफ्थ में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज डी, मोहम्मद शाह। सेवन, मौर्यकालीन स्थापित कला के प्राचीनतम नमूने किस स्थान से प्राप्त नहीं होते हैं? ए सारनाथ, बी कौशाम्बी, सी कुशीनगर, डी देवगढ़। ये उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज डी, देवगढ़ से। एट्थ, समुद्रगुप्त की विजयों और नीतियों का पूरा विवेचन निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्राप्त होता है? ए नासिक अभिलेख, बी जूनागढ़ अभिलेख, सी प्रयाग स्तंभ अभिलेख, डी मंदसौर अभिलेख। ये उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका आंसर राइट ऑप्शन है सी, प्रयाग स्तंभ अभिलेख से। नाइन्थ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ गवर्नर जनरल, सेकंड तरफ उसका कार्य। ए विलियम बेंटिक, सती प्रथा निरोधक कानून, बी लॉर्ड एलन बेरो, दास प्रथा का उन्मूलन, सी लॉर्ड डलहौजी विधवा पुनर्विवाद नियम, डी लॉर्ड लिटन स्थानीय स्वशासन की स्थापना। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज डी, लॉर्ड लिटन स्थानीय स्वशासन की स्थापना। टेंथ, निम्नलिखित में से किसने मीरात उल अखबार का संपादन किया? ए सर सैयद अहमद खान, बी राजा राम मोहन राय, सी दादा भाई नौरोजी, डी देवेंद्र नाथ टैगोर। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज बी, राजा राम मोहन राय। ग्यारह, असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किस अधिवेशन में किया गया? ए नागपुर अधिवेशन, बी गया अधिवेशन, सी अमृतसर अधिवेशन, डी अहमदाबाद अधिवेशन। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज सी, अमृतसर अधिवेशन। दिल्ली घोषणा पत्र किस आंदोलन से जुड़ा है? एक खिलाफत आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कैलाश पर्वत श्रेणी पर स्थित है? ए सांसेरला, बी चांगला, सी जेलेपला, डी शिवकिला। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज बी, चांगला। 14th, हाल ही में चर्चा में रहा क्रिसमस द्वीप किस राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में आता है? ए फ्रांस, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी नॉर्वे। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज सी, ऑस्ट्रेलिया। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? ए हाजीपुर, बी गोरखपुर, सी कोलकाता, डी गुवाहाटी। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज ए, हाजीपुर। तंबाकू की फसल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा आवश्यक है? ए लाल मृदा, बी जलोढ़ मृदा, सी लैटराइट मृदा, डी चूड़शील बलुई दोमट। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज डी, चूड़शील एवं बलुई दोमट। 17th, मैग्नी नॉट रेखा निम्नलिखित में से किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ए भारत पाकिस्तान, बी भारत चीन, सी पाकिस्तान अफगानिस्तान, डी जर्मनी फ्रांस। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज डी, जर्मनी फ्रांस। विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकारों का सही आरोही क्रम है? ए हवाई तुल, स्टॉम्बेली तुल, पिलियन तुल, वॉल्केन तुल। बी हवाई तुल, कॉमा स्टॉम्बेली तुल, कॉमा वॉल्केनियन तुल, कॉमा पिलियन तुल।
सी हवाई तुल कोमा वल्केनियन तुल पीलियन तुल कोमा स्टाम्बेली तुल डी हवाई तुल कोमा वल्केनियन तुल कोमा स्टाम्बेली तुल कोमा पीलियन तुल ई उपरोक्त में से कोई द राइट ऑप्शन इज बी हवाई तुल कोमा स्टाम्बेली तुल कोमा वल्केनियन तुल कोमा पीलियन तुल। 19 वे नियमित हवाएं जो कि गरजता 40 कोमा प्रचंड 40 और चीखता 60 के उपनाम से जानी जाती हैं निम्न में से कौन सी ए व्यापारिक पवन है बी पछुआ पवन है सी ध्रुवी पवन है डी इनमें से कोई नहीं ई उपरोक्त में से एक से अधिक द राइट ऑप्शन इज बी पछुआ पवन है। 20 निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है ए फ्लोरिडा धारा बी गल्फ स्ट्रीम धारा सी क्यूरोसिवो धारा डी आयोशिवो धारा ई उपरोक्त में से कोई नहीं द राइट ऑप्शन इज डी आयोशिवो धारा। रेडियर किसका पालतू पशु होता है ए एस्किमो बी माओरी सी बद्दू डी बुशमैन ई उपरोक्त में से कोई नहीं द राइट ऑप्शन इज ए एस्किमो का। 22 निम्नलिखित देशों में से लंका शायर किसका प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है ए इंग्लैंड बी अमेरिका सी जर्मनी डी रूस ई उपरोक्त में से कोई नहीं द राइट ऑप्शन इज ए इंग्लैंड का। 23 आंकड़ों के अनुसार संसार में टिन का अग्रणी उत्पादक क्षेत्र है ए ब्राजील बी चीन सी इंडोनेशिया डी म्यांमार ई उपरोक्त में से कोई नहीं द राइट ऑप्शन इज बी चीन। निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित नहीं है एक तरफ उद्योग दूसरी तरफ स्थान ए मिट्टी के बर्तन मुल्तान बी खनिज तेल मौसूल सी कांच उद्योग बियाना डी मांस व डेयरी उद्योग ऑन्टेरियो ई उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक द राइट ऑप्शन इज डी मांस व डेयरी उद्योग ऑन्टेरियो से संबंधित नहीं रखता है। 25 गाय के दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा देश रखता है ए अमेरिका बी भारत सी ब्राजील डी मॉरिशस ई उपरोक्त में से कोई नहीं द राइट ऑप्शन इज ए अमेरिका। 26 पुलकित झील निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की सीमा पर अव्यवस्थित है ए आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना बी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु सी तेलंगाना एवं महाराष्ट्र डी तेलंगाना एवं कर्नाटका ई उपरोक्त में से कोई नहीं द राइट ऑप्शन इज बी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है ए लाल पीली मिट्टी बी काली मृदा सी लैटराइट मृदा डी जलोढ़ मृदा ई उपरोक्त में से कोई नहीं द राइट ऑप्शन इज बी काली मृदा। 28 नवनिर्वाचित 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था ए वीरेंद्र कुमार बी हर्षवर्धन वाजपेयी सी जितेंद्र सिंह तोमर डी प्रकाश जावड़ेकर ई उपरोक्त में से कोई नहीं द राइट ऑप्शन इज ए वीरेंद्र कुमार। 29 राज्य की नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कुटीर उद्योग से संबंधित है ए अनुच्छेद 42 बी अनुच्छेद 43 सी अनुच्छेद 44 डी अनुच्छेद 45 ई उपरोक्त में से कोई नहीं द राइट ऑप्शन इज बी अनुच्छेद 43। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे ए राजेंद्र प्रसाद बी एच सी मुखर्जी सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा डी वी टी कृष्णाचारी ई उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक द राइट आंसर इज सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 31 निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है ए एच वी आर आयंगर बी सर आइवर जेनिंग्स सी के हनुमंतैया डी ग्रेनविल ऑस्टिन द राइट आंसर इज बी सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था ये। 32 निम्नलिखित में से किसका वेतन भत्ता में उपलब्ध है भारत की संचय निधि पर भारत नहीं होता ए राष्ट्रपति बी नियंत्रक महालेखा परीक्षक सी महान्यायवादी डी लोकसभा अध्यक्ष ई उपरोक्त में से कोई नहीं द राइट ऑप्शन इज सी महान्यायवादी। 33 भारतीय उच्चतम न्यायालय अमेरिकी उच्चतम न्यायालय से किस संदर्भ में भिन्न है ए संघीय मामलों में बी संवैधानिक मामलों में सी नागरिक अधिकारों की रक्षा के मामले में डी सलाहकार न्याय क्षेत्र के मामलों में ई उपरोक्त में से कोई नहीं तो मैं बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी सलाहकार न्याय क्षेत्र के मामलों में। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई ए संयुक्त राज्य अमेरिका बी ग्रेट ब्रिटेन सी फ्रांस डी जर्मनी ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक द राइट ऑप्शन इज ए संयुक्त राज्य अमेरिका। 35 लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई है ए बलवंत राय मेहता समिति बी थुंगन समिति सी अशोक मेहता समिति डी जी वी के राव समिति ई उपरोक्त में से कोई नहीं द राइट ऑप्शन इज ए बलवंत राय मेहता समिति। 36 संविधान और विधि का परीक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा ये शपथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्रहण की जाती है ए भारत का मुख्य न्यायाधीश बी राष्ट्रपति
सी प्रधानमंत्री, डी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज बी, राष्ट्रपति के द्वारा एक शपथ ग्रहण की जाती है। निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की? ए तुंगल समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी जी वी के राव समिति, डी एल एम सिंघवी समिति, ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। राइट ऑप्शन इज डी, एल एम सिंघवी समिति के द्वारा। 38 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं ए एन के वी सालवे, बी सी रंगराजन, सी एस के सिंह, डी वाई वी रेड्डी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज सी, एन के सिंह। 39 हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा उल्लेखित निजता का अधिकार को भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार के संगत माना गया है? ए अनुच्छेद 21 प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, बी अनुच्छेद 14 विधि की समानता, सी अनुच्छेद 19 वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डी अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित अधिकार, ई एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज ए अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 40 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत प्रवासियों की लघु सूचियां शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी असम, ई उपयुक्त में से कोई। द राइट ऑप्शन इज सी उत्तर प्रदेश। 41 किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है? ए हरियाणा, बी उत्तराखंड, सी महाराष्ट्र, डी ओडिशा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज ए हरियाणा। मेटन कप इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2010 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? ए दिव्यांश सिंह पावार, बी अपूर्वी चंदेला, सी दिनेश कुमार, डी सत्यवीर सिंह, ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। राइट ऑप्शन इज ई। 43 हाल ही में धानु यात्रा किस राज्य में संपन्न हुआ? ए कर्नाटका, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी उड़ीसा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज उड़ीसा। भारत के किस राज्य को वन स्टेट मैनी वर्ड की संज्ञा दी जाती है? ए कर्नाटका, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज ए कर्नाटका। 45 देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक किस शहर में स्थापित किया गया है? ए भोपाल, बी बेंगलुरु, सी जयपुर, डी कानपुर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज ए भोपाल। 46 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की ओर से कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ए चंद्रा कोचर, बी रघुराम राजन, सी सुरजीत एस भल्ला, डी रमेश सिंह, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इज सी सुरजीत एस भल्ला। 47 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार बिजली उत्पादन में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी अमेरिका, ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज डी अमेरिका। 48 किस मंत्रालय ने कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 की शुरुआत की है? ए वित्त मंत्रालय, बी एमएसएमई मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय, डी कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज डी कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय। 49 किस देश ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? ए उत्तर कोरिया, बी जापान, सी अमेरिका, डी चीन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज सी अमेरिका। निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ए लग्जमबर्ग, बी नॉर्वे, सी स्विट्जरलैंड, डी स्वीडन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज ए लग्जमबर्ग। 51 चर्चा में रहा मेरी दिल्ली मेरा सुझाव नामक अभियान का शुभारंभ किसने किया है? ए अरविंद केजरीवाल, बी अमित शाह, सी स्मृति ईरानी, डी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज सी स्मृति ईरानी के द्वारा ये किया गया है। 52 कोरोना वायरस की वजह से विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? ए 2021, बी 2022, सी 2023, डी 2024, ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज बी 2022। किस पोर्ट बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया? ए कोलकाता पोर्ट, बी मुंबई पोर्ट, सी कांडला पोर्ट, डी मोमो गुरवा पोर्ट, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज ए कोलकाता पोर्ट। 54 ICC द्वारा जारी नवीनतम T20 महिला खिलाड़ियों की रैंकिंग में किस खिलाड़ी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ए स्मृति मंदाना, बी शेफाली वर्मा, सी हरसिमरत कौर, डी एल्सा होली, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज बी शेफाली वर्मा के द्वारा। 55 राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए सुरेश चंद्र शर्मा, बी सुजीत कुमार शर्मा, श्री विकास सिंह, डी विनोद राय, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज ए सुरेश
सुरेश चंद्र शर्मा 56 किस देश में 12 का परमाणु ऊर्जा संयंत्र को संचालित किया गया है? ए ईरान, बी इराक, सी कतर, डी यूएई, ए उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज डी यूएई। 57 फरवरी 2020 में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? ए शाहरुख खान, डी बी सलमान खान, सी ऋतिक रोशन, डी अक्षय कुमार, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज सी ऋतिक रोशन। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड वितरण समारोह का आयोजन इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम गुवाहाटी में किया गया। इसमें किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ए डिवाइन एवं अंकुर तिवारी, बी गोविंदा, श्री शिल्पा राव, डी रमेश सिप्पी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज डी रमेश सिप्पी। 59 निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को वर्ष 2020 में सामाजिक नवाचार हेतु एडिसन अवार्ड प्रदान किया गया? ए टाटा पावर, बी NTPC लिमिटेड, सी रिलायंस पावर, डी सुजलान एनर्जी लिमिटेड, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। ई उपरोक्त में से एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज डी टाटा पावर को। 59 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो स्मार्ट योजना का संबंध निम्न में से किससे है? ए ई गवर्नेंस, बी महानगर विकास, सी महासागर विकास, डी कचरा निस्तारण, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज सी महासागर विकास। 61 किस जीव को किसान का सच्चा मित्र एवं सहायक कहते हैं? ए कॉकरोच, बी केचुआ, सी मधुमक्खी, डी मक्खी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इज बी केचुआ को। 62 DNA एवं RNA में समानता है कि दोनों? ए न्यूक्लियोसाइड्स के बहुलक हैं, बी द्विसूत्री हैं, सी उनमें समान शर्कराएं, डी इनमें समान पिरामिडीन है, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज ए न्यूक्लियोसाइड्स के बहुलक हैं। 63 प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है? ए स्ट्रोमा में, बी ग्रेना में, सी कोशिका द्रव में, डी प्लाज्मा झिल्ली में, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज बी ग्रेना में। 64 अग्नाशय किससे स्रावित करता है? ए इंसुलिन, बी पित्तसार, सी पाचन सार, डी लार, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज ए इंसुलिन। विटामिन का कौन समूह जल में घुलनशील है? ए ए कॉमा डी, बी डी कॉमा ए, सी ए कॉमा के, डी सी कॉमा बी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, ई उपरोक्त में से एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज डी सी कॉमा बी। 66 समान व्यस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? ए 5-6 लीटर, बी 3-4 लीटर, सी 8-10 लीटर, डी 10-12 लीटर, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज ए 5-6 लीटर। 67 ECG किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है? ए मस्तिष्क, बी हृदय, सी गुर्दा, डी फेफड़े, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज बी हृदय। 68 DNA की संरचना के द्विकंडली मॉडल हेतु एक्स किरण विवर्तन के आंकड़े दिए गए? ए जेम्स वॉटसन द्वारा, बी फ्रांसिस क्रिक द्वारा, सी जेम्स वॉटसन एवं फ्रांसिस क्रिक द्वारा, डी मॉरेन विल्किंस एवं रोजालिन फ्रैंकलिन द्वारा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज डी मॉरिस विल्किंस एवं रोजालिन फ्रैंकलिन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कागज का फटना, बी पेड़ का कटना, जल का बर्फ बनना, शीशे का टूटना, ये उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज ए कागज का फटना। 70 निम्न में से कौन सा कृत्रिम शर्करा है? ए नोविस्ट्रॉल, बी एस्पार्टम, सी ट्रोपिनॉल, डी क्लोरोक्सिनॉल, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज बी एस्पार्टम। एटम में न्यूट्रॉन 71 एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी? ए जे थॉमसन, बी चैडविक, सी रदरफोर्ड, डी न्यूट्रॉन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज बी चैडविक। 72 प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है? ए CaSO4.2H2O, बी CaSO4.5H2O, सी CaNO3 का होल ट्वाइस, डी Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज बी CaSO4.5H2O। वो धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में हमें प्राप्त होती है? ए स्कैंडियम, बी मरकरी, सी ब्रोमीन, डी क्लोरीन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज बी मरकरी। 74 मानव पोषण के लिए टमाटर बहु स्रोत हैं? ए मैथेलिक एसिड का, बी साइट्रिक अम्ल का, सी ऑक्सैलिक एसिड का, डी एसिटिक एसिड का, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज बी साइट्रिक एसिड का। 75 कौन सा उदाहरण थर्मोसेटिंग बहुलक का है? ए पॉलीथीन, बी PVC, सी बैकेलाइट,
डी नियोप्रीन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज सी बैकेलाइट। 76 संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक है। ए एथेन, बी मीथेन, सी प्रोपेन, डी एसिटिलीन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज बी मीथेन। 77 प्रतिरोधकता की इकाई है। ए ओम, बी ओम पर मीटर, सी ओम मीटर, डी ओम पर मीटर स्क्वायर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज सी ओम मीटर। 78 चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है। ए टेस्ला, बी वेवर, सी गाउस, डी एम्पियर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज बी वेवर। 79 अर्ग कॉमा जूल कॉमा कैलोरी निम्नलिखित में से किसकी इकाइयाँ हैं। ए दबाव, बी ऊर्जा, सी बल, डी चुंबकीय ध्रुव शक्ति, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज बी ऊर्जा की। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति उच्चतम होती है। ए वायु, बी इस्पात, सी पानी, डी निर्वात, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज बी इस्पात में। 81 जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, इसका कारण है। ए अपवर्तन, बी विवर्तन, सी ध्रुवण, डी परावर्तन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज डी परावर्तन के कारण। 82 प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। ए मृग मरीचिका, बी हीरे की चमक, सी प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम, डी प्रकाशीय तंतु, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज सी प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम। 83 गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि ए पंखा ठंडी हवा देता है, बी शरीर में पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, सी हमारे शरीर में अधिक ऊष्मा विकसित होती है, डी हवा की संवाहकता बढ़ जाती है, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज बी शरीर में पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। 84 विद्युत धारा उत्पन्न करने हेतु प्रयुक्त युक्ति कहलाती है। ए गैल्वेनोमीटर, बी एमीटर, सी जनरेटर, डी मोटर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं यह एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज बी एमीटर। 85 घरों में उपयोग होने वाले सूक्ष्म तरंग चूल्हों माइक्रोवेव ओवन में निम्न में से कौन सा पद संबंधित नहीं है। ए मैग्नेटॉन, बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, सी रेडियो तरंगे, डी द्विविद्युतीय ऊष्मा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज सी रेडियो तरंगे। GUI का क्या अर्थ होता है। ए गेमिंग यूजर इंटरफेस, बी जनरल यूजर इंटरफेस, सी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, डी गाइडेंस यूजर इंटरफेस, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं यह एक से अधिक। द राइट आंसर इज सी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 87 वाईफाई का विस्तार है। ए वायरलेस फ्लो, बी वायरलेस फिडिलिटी, डी वाइट फिडिलिटी, डी वायरलेस वायर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज बी वायरलेस फिडिलिटी। 88 निम्नलिखित में से कहाँ इसरो केंद्र है। ए शिलांग, बी कोटा, सी कोहिमा, डी जैसमेलर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज ए शिलांग। 89 इसरो के वाणिज्यिक शाखा का क्या नाम है। ए अंतरिक्ष, बी लूनर, सी स्पेस, डी DRDO, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज ए अंतरिक्ष। 90 GMO है। ए अनुवांशिक उत्परिवर्ती जीव, बी अनुवांशिक आधुनिक जीव, सी अनुवांशिक रूपांतरित जीव, डी अनुवांशिक मिश्रित जीव, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर इज सी अनुवांशिक रूपांतरित जीव। 91 इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो ए शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, बी प्रोटीन स्मृत हों, सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों, डी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार हों, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। 92 पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया। ए जापान, बी चीन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इजिप्ट, ई उपरोक्त में से कोई नहीं यह एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज सी ऑस्ट्रेलिया। 93 निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। ए समुद्र, बी घास के मैदान, सी वन, डी पर्वत, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज ए समुद्र। 94 समुद्री वातावरण के मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ए फाइटोप्लैंक्टन्स, बी समुद्री अपरतरण, सी समुद्री आवृत बीजी, डी जली वायु ब्रायोफाइट्स, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। द राइट आंसर इज ए फाइटोप्लैंक्टन्स। 95 निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। ए धान का खेत, बी वन, सी घास का मैदान, डी झील, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। द राइट आंसर इज ए धान का खेत। 96
निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? ए श्रम की न्यून कार्य क्षमता, बी प्रति व्यक्ति कम आय, सी पूंजी निर्माण की न्यून दर, डी प्राकृतिक संसाधनों की कमी। ये उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। द राइट आंसर इज डी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। 97. भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ए योजना आयोग, बी वित्त आयोग, सी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर इज सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। 98. पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। ए बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कौमा मूल ह्रास घटाकर, बी बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कौमा मूल ह्रास घटाकर कौमा विदेश से प्राप्त निवल कारक आय जोड़कर, सी बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कौमा मूल ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर, डी बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कौमा विदेश से प्राप्त निवल कारक आय घटाकर। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज सी, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर। 99. सतत विकास का आधार है। ए सामाजिक दृष्टिकोण, बी आर्थिक दृष्टिकोण, सी पर्यावरणीय दृष्टिकोण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज सी, पर्यावरणीय दृष्टिकोण। 100. विश्व आर्थिक संभावना ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट अवैधानिक रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? ए एशिया विकास बैंक, बी यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, सी US फेडरल रिजर्व बैंक, डी विश्व बैंक। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो द राइट आंसर इज डी, विश्व बैंक। 101. निम्न में से आसियान का सदस्य नहीं है। ए वियतनाम, बी थाईलैंड, सी दक्षिण कोरिया, डी इंडोनेशिया। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज सी, दक्षिण कोरिया। 102. नेपान नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? वह है ए सीमेंट, बी उर्वरक, सी हथकरघा, डी अखबारी कागज। ई उपरोक्त में से कोई। द राइट आंसर इज डी, अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। 103. BIFR संबंधित है। ए रूढ़ इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीय से, बी शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण से, सी उपभोक्ता संरक्षण से, डी बैंकिंग क्रियाओं के नियमन से। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। द राइट आंसर इज ए, रूढ़ इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीय से। 102. में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? ए योजना आयोग, बी विनिवेश आयोग, सी नीति आयोग, डी वित्त आयोग। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। द राइट आंसर इज सी, नीति आयोग। 105. निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? ए अपर्याप्त समृद्धि, बी जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर, सी बेरोजगारी, डी बढ़ता निवेश। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। द राइट आंसर इज डी, बढ़ता निवेश। 106. बिहार में दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? ए औरंगाबाद, बी पटना, सी नालंदा, डी कैमूर। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। द राइट आंसर इज बी, पटना। 107. बिहार का ताजा मछली उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। द राइट आंसर इज डी, चौथा स्थान है। 108. बिहार में समेकित जल प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य क्या है? ए सूखे इलाकों में पानी पहुंचाना, बी भू जल संभरण, सी मृदा संरक्षण, डी सभी घरों में बिजली सुविधा उपलब्ध कराना। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज ई। 109. बिहार में चीनी मिलों का सर्वाधिक संकेंद्रण है? ए उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, बी पूर्वी क्षेत्र में, सी दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, डी उत्तर पूर्व क्षेत्र में। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, ये एक से अधिक। द राइट आंसर इज ए, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। पथ घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? ए पांचवा, बी तीसरा, सी चौथा, डी पहला। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, ये एक से अधिक। द राइट आंसर इज सी, चौथा स्थान है। बिहार सरकार ने सतत जीविकोपार्जन नामक योजना कब शुरू की? ए अगस्त 2018, बी सितंबर 2019, सी नवंबर 2020, डी अगस्त 2016। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ए, अगस्त 2018। 112.
पटना मेट्रो रेल की कुल लंबाई कितनी प्रस्तावित है? ए 31.39 किलोमीटर, बी 29.5 किलोमीटर, सी 25.6 किलोमीटर, डी 38.4 किलोमीटर, ई वृत्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ए 31.39 किलोमीटर। 113 बिहार में सबसे अधिक लिंगा अनुपात वाला जिला है? ए गोपालगंज, बी रोहतास, सी शिवहर, डी मधुबनी, ई वृत्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज ए गोपालगंज। 114 बिहार में आर्सेनिक प्रभावित जिलों में कौन शामिल है? ए बेगूसराय, बी भागलपुर, सी बक्सर, डी दरभंगा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज ई। 115 बिहार के कुल वन कार्बन स्टॉक में मृदा जैव कार्बन का कितना प्रतिशत है? ए 61.4%, बी 35.5%, सी 17%, डी 80%, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज ए 61.4%। 116 विक्रमशिला वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है? ए डॉल्फिन के लिए, बी पक्षी के लिए, सी बाघ के लिए, डी चीतल के लिए, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज ए डॉल्फिन के लिए। नालंदा से कितने जिलों की सीमा लगती है? ए 4, बी 6, सी 7, डी 9, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर इज बी 6। 118 बिहार में सिंचाई के प्रमुख स्रोत में सार्वधिक योगदान किसका है? ए नहर, बी नलकूप, सी तालाब, डी पंप सेट, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। द राइट आंसर इज बी नलकूप। 119 बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? ए भागलपुर, बी कैमूर, सी कटिहार, डी मोतीपुर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, ई उपयुक्त में से एक से अधिक। द राइट आंसर इज ए भागलपुर। 120 बिहार के किस स्थान पर गोकुल ग्राम की स्थापना की जा रही है? ए डुमराव, बी बजारी, सी डाल मिया नगर, डी मीठापुर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। द राइट आंसर इज ए डुमराव में। 121 बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? ए गोपालगंज, बी गया, सी भोजपुर, डी जमुई, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। द राइट आंसर इज डी जमुई में। 122 भारत नेपाल सीमा पथ परियोजना बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? ए 9, बी 8, सी 7, डी 6, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज सी 7। निम्नलिखित में से कौन बिहार के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं? ए उज्ज्वल नारायण सिंह, बी कृष्ण वल्लभ नारायण, सी दीपक कुमार सैन, डी जगन्नाथ पहाड़िया, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। राइट आंसर इज डी जगन्नाथ पहाड़िया। 124 मुंगेर प्रमंडल में कौन सा जिला शामिल है? ए वैशाली, बी अरवल, सी मधेपुरा, डी बेगूसराय, ई वृत्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर इज डी बेगूसराय। 125 लक्ष्यवार किस धर्म से संबंधित धार्मिक स्थल है? ए ईसाई, बी मुस्लिम, सी जैन, डी हिंदू, ई वृत्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर इज सी जैन से। 126 पटना में गोलघर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ए जॉन गारस्टीन, बी जॉन मार्शल, सी रैल्फ फिच, डी टवेनियर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं ये एक से अधिक। द राइट आंसर इज ए जॉन गारस्टीन। 127 किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी? ए मीर कासिम, बी मीर जाफर, सी सिराजुद्दौला, डी मुर्शिद कुली खान, ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। द राइट आंसर इज ए मीर कासिम ने। तामाड़ विद्रोह किस जनजाति से संबंधित है? ए उराव, बी हो, सी भील, डी संथाल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। द राइट आंसर इज ए उराव। 129 चंपारण में अंधेरा नामक लेख का प्रकाशन किसने किया? ए राजकुमार शुक्ल, बी गणेशंकर विद्यार्थी, श्री हरिश्चंद्र मुखर्जी, डी जयकृष्ण सिंह, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर इज बी गणेशंकर विद्यार्थी के द्वारा। 130 बिहार में आज़ाद हिंदुस्तान नामक एक लघु समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? ए मुंगेर, बी रोहतास, सी पटना, डी मुजफ्फरपुर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ए मुंगेर। 131 बिहार में बकाश्त आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया?
ए कार्यानंद शर्मा, बी राहुल संस्कृतन, सी सैयद इमदाद अली, डी जयप्रकाश नारायण, ई वृत्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ई। बिहार में आजाद दस्ते का गठन किसके द्वारा किया गया? अब्दुल कय्यूम अंसारी, बी स्वामी सहजानंद, सी जयप्रकाश नारायण, डी श्री कृष्ण सिंह, ई वृत्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज सी जयप्रकाश नारायण। 133। बिहार में डोम कच्छ नाटक किस अवसर पर किया जाता है? ए धान रोपते समय, बी विवाह के समय, सी खेल के समय, डी जन्म के समय, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज बी विवाह के समय। ककोलत मेला बिहार के किस जिले में लगता है? ए भागलपुर, बी पूर्णिया, सी नवादा, डी जहानाबाद, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। राइट आंसर इज सी नवादा। 135। प्यार का पौधा अभियान किस योजना के अंतर्गत है? ए सात निश्चय, बी जल जीवन हरियाली, सी अल्पसंख्यक कल्याण, डी भारतमाला परियोजना, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर इज बी जल जीवन हरियाली। 136। उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन वाला राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी बिहार, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। द राइट आंसर इज डी बिहार। 137। बिहार के लौंगी भुइया ने किस जिले में नहर का निर्माण किया है? ए गया, बी सुपौल, सी पटना, डी जहानाबाद, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। द राइट आंसर इज ए गया। 138। सियासत में सदस्यता किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ए विजय कुमार चौधरी, रमा शंकर द्विवेदी, सी आनंद कुमार, डी राहुल शाह के, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज ए विजय कुमार चौधरी के द्वारा। 139। भारत सरकार द्वारा चुनौती प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया है, बिहार में इस प्रतियोगिता की नींव कहाँ रखी जा रही है? ए सारण, बी सिवान, सी पटना, डी मुजफ्फरपुर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज डी मुजफ्फरपुर के द्वारा। 140। किस भारतीय पत्रकार को मई 2020 में मानव अधिकारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हेतु उत्कृष्ट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करने हेतु ड्यूश वाले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 प्रदान करने हेतु चुना गया? ए रवीश कुमार, बी सिद्धार्थ वरदराजन, सी रोहिणी सरदाना, डी अंजना ओम कश्यप, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज बी सिद्धार्थ वरदराजन। 141। एक संख्या को 17 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, यदि इसके भागफल को 3 से भाग दे तो 2 शेष बचता है, यदि संख्या को 51 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? ए 50, बी 1, सी 37, डी इनमें से कोई नहीं, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, ई उपरोक्त में से एक से अधिक। द राइट आंसर इज सी 37 बचेगा। 142। माना एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 7 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स माइनस 5, जहाँ ए कॉमा बी कॉमा सी नियत है। यदि एफ माइनस 7 इज इक्वल टू 7 तो एफ 7 इक्वल है ए माइनस 17 के, बी माइनस 7 के, सी 14 के, डी 17 के, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज ए माइनस 17 के। 143। एक समबहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 5 मीटर लंबी है एवं प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री का हो तो समबहुभुज का परिमाण ज्ञात करें। ए 20 मीटर, बी 35 मीटर, सी 30 मीटर, डी 40 मीटर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज सी। 144। 4/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? ए 5, बी 4, सी 3, डी 7, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज डी 7 होगा। 145। यदि x माइनस 2 होल क्यूब अपॉन x माइनस 6 क्यूब इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 तो x की वैल्यू ज्ञात करें। a 2, b 4, c 6, d 8, e उपरोक्त में से कोई नहीं, x से अधिक। द राइट ऑप्शन इज b 4 आंसर होगा इसका। एक व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से a से b तक जाता है तथा b से a तक 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करें। ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 46 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 47 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज डी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 147। एक लड़का 1 से 25 तक गिनती लिखता है और प्रत्येक संख्या को एक अलग कार्ड पर लिखता है। अब इन 25 कार्डों के समूह में से एक कार्ड या दृश्यता निकाला जाता है, क्या प्रायिकता की
उस कार्ड पर लिखा अंक 10 से कम होगा। ए 2/7, बी 2/53, सी 2/365, डी 9/25। ये उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज डी 9/25। 148। एक परिवार की 12 वर्ष पहले औसत आयु 33 वर्ष थी। उस समय परिवार में 10 सदस्य थे, लेकिन यदि आज परिवार के 70 वर्षीय वरिष्ठ सदस्य का निधन हो जाए तथा आज ही एक शिशु का जन्म हो जाए तो परिवार की वर्तमान औसत आयु कितनी हो जाएगी? ए 33 वर्ष, बी 45 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 38 वर्ष। ये उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज डी 38 वर्ष। 149। एक परिवार अपनी आय का 30% भोजन पर, 10% वस्त्रों पर, 18% मकान पर और 7% अन्य खर्च करता है। यदि परिवार का मासिक आय 4,000 रुपये है तो 15,000 प्रति बचाने में लगभग कितने महीने लगेंगे? ए 25 माह, बी 30 माह, डी 11 माह, सी 11 माह, डी 50 माह। उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज सी 11 माह लगेंगे। 150। यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 2/3 हो जाता है तथा अंश में 5 और हर में 2 गुना बढ़ा देने पर भिन्न 1 हो जाता है। निम्न में से कौन सा वह मूल भिन्न है? ए 5/8, बी 10/13, सी 7/11, डी इनमें से कोई नहीं। ये उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज ए 5/8। धन्यवाद दोस्तों, इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा। ये बिहार PCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्री के लिए। थैंक यू सो मच। आई होप आप सबने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। जिन बच्चों ने स्टार्ट नहीं करी है, आई होप जल्द से जल्द वो चुनाव कर लें, क्योंकि समय बहुत कम है, समय बहुत मूल्यवान है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।